आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। देश भर में धूमधाम से मनाई गई होली, गुलाल और रंगों से होली खेलकर एक दूसरे को बधाई देते नजर आए लोग। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मैच, और टेस्ट मैच देखने स्टेडियम पहुंचे पीएम मोदी। नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी सक्रिय, बूथ सशक्त मंडल कार्यक्रम का करेगी आयोजन, यूपी के सभी मंडलों में कार्यक्रम करेगी आयोजित। सपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर होगी चर्चा, अखिलेश यादव पार्टी मुख्यालय पर करेंगे बैठक। फिल्म अभिनेता शक्ति कौशिक का निधन, 66 साल की उम्र मिली अंतिम सांस, अनुपम खेर ने दी जानकारी। देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है, जिसको देखने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज पहुंचे। मैच से पहले दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने अपने अपने देश की क्रिकेट टीम के कप्तान को सम्मानित किया, साथ ही पीएम मोदी ने एक खास रथ से स्टेडियम का जायजा भी लिया। आपको बता दें कि आज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मैच है, जिसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहुंचे, और वहीं ऑस्ट्रेलियाई के पीएम एल्बनीज भी वहां पर पहुंचे हुए थे। आपको बता दें टेस्ट मैच देखने स्टेडियम पहुंचे थे नरेंद्र मोदी वहां पर, और एक दूसरे के कप्तानों की टीम को एक दूसरे के कप्तान को टीम को सम्मानित भी किया। खबर हमीरपुर जिले से है, जहां बड़ी धूमधाम के साथ होली का त्यौहार मनाया गया। लोग गुलाल और रंगों से होली खेलकर एक दूसरे को होली की बधाई देते नजर आए, साथ ही डीएम और एसपी आवास में भी बड़े धूमधाम से एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली के पर्व की शुभकामनाएं दी, जिससे जिले के आम नागरिकों, अधिकारियों, कर्मचारियों और व्यापारियों, पत्रकारों ने उपस्थित लोगों के साथ डांस करते हुए होली का त्यौहार मनाया। आज जनपद हमीरपुर में पूरे शांति से और सौहार्द के साथ होली का यह त्यौहार मनाया जा रहा है। जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में होली जलने के समय भी बहुत शांति रही, और होली भी पूरे जनपद में शांतिपूर्वक चल रही है। सभी लोग, आबाल वृद्ध नर नारी, सभी लोग आनंद के साथ होली मना रहे हैं। आप लोगों को भी मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, जनपद हमीरपुर के समस्त वासियों को आज पुलिस अधीक्षक की ओर से और पुलिस परिवार की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं, और सभी जनपद वासियों ने होलिका दहन में बहुत ही शांतिपूर्वक होलिका दहन हुआ। यहाँ पर कुल 660 स्थानों पर होलिका दहन हुआ, और साथ ही आज जो मुख्य दिन है, जिस दिन लोग होली खेल रहे हैं, तो आज भी सुबह से लगातार पुलिस की ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। सभी भ्रमणशील हैं, थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी एवं अन्य ड्यूटियाँ, तो कहीं पर भी कोई समस्या नहीं है। सभी लोग शांतिपूर्वक होली का आनंद ले रहे हैं। शाहजहांपुर में धूमधाम के साथ होली का त्यौहार मनाया गया। रंग बिरंगे रंगों गुलाल के साथ लोगों ने जमकर होली खेली। बता दें कि पूरे भारत में शाहजहांपुर की होली इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहां लाट साहब का जुलूस निकाला जाता है। इस दौरान लाट साहब को पूरे शहर में भैंसा गाड़ी पर बैठा कर घुमाया जाता है। इस तरह का जुलूस पूरे भारत में कहीं भी नहीं निकाला जाता है। शहर के गदियाना में निवर्तमान सभासद पति छगेलाल राठौर ने उपरोक्त जुलूस की जानकारी देते हुए बताया कि आज शाहजहांपुर में होली का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया गया है। होली का त्यौहार हिंदू धर्म में बहुत बड़ा त्यौहार है। हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर होली मनाई है, एक दूसरे को गले मिलकर प्रेम पूर्वक रंग लगाया है, और इस साल की होली बहुत बड़ी होली है। और जहां तक हमारी देखी जाए तो होली इस साल बहुत बढ़िया अच्छी तरीका से निपटी है। अच्छा, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे और शुभकामनाएं देंगे? सभी नगरवासियों को और अपने वार्डवासियों को
होली की हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएँ। सभी लोग शाम तक होली मनाएं और एक दूसरे से गले मिलें और सब लोग मिलकर होली मनाएं। प्रयागराज में होली का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। यहाँ के ऐतिहासिक लोकनाथ चौराहे और चौक की होली में कपड़ा फाट होली मनाई जाती है, जिसमें सभी धर्मों के लोग इकट्ठा होकर गंगा जमुना तहजीब की मिसाल पेश करते हुए होली खेलते हैं। बता दें कि यहाँ पर ऊपर से पाइप के जरिए रंगों की बौछार होती है और हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर डीजे की धुन में थिरकते नजर आते हैं। साथ ही एक दूसरे के कपड़े फाड़ते हुए एक दूसरे से गले मिलकर होली की बधाई देते हैं। साथ ही होलियारे प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ का मुखौटा लगाकर गानों पर थिरकते नजर आते हैं। लोकनाथ की मर्जी है, जितने भी बच्चे यहाँ हर साल अधिक से अधिक कपड़ा फाड़ होली होती है, घर निपेट दल के कार्यकर्ता का और मोहल्ले के व्यापारी का सभी मिलके एक साथ होली खेलते हैं। रंगों का त्यौहार होली जो आज देश भर में बड़ी आस्था के साथ मनाया जा रहा है, खास करके प्रयागराज की जो यहाँ पे देख सकते हैं होलियारे किस तरीके से होली खेल रहे हैं। और यहाँ की बात करें सबसे खास बात कपड़ा फाड़ होली की जो पुरानी परंपरा है, यहाँ पे कपड़ा फाड़ होली जिस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर किस तरीके से कपड़े पड़े हैं और होलियारे यहाँ पे हर रंग दिख रहे हैं और इनके ऊपर पानी के बौछार गुलाब की पत्तियों से गुलाब से साफ तरीके से ऊपर डाला जा रहा है। आप देख सकते हैं कपड़ा फाड़ होली प्रयागराज की मशहूर होली है। अगर मथुरा वृंदावन की बात करें, बनारस की बात करें, हर जगह की मशहूर होली होती है। यूपी की कपड़ा फाड़ होली जो काफ़ी मशहूर है। औरैया जिले में शबे बारात के त्यौहार को मुस्लिम समुदाय ने परंपरागत तरीके से मनाया। शबे बारात के मौके पर इबादत में गुजारने की परंपरा है। मनाए जाने वाले शबे बारात पर्व को लेकर हजरत बाबा शाह जमाल साहब की दरगाह पर मुल्क में अमन और चैन बनाए रहने की दुआएं की गई हैं। साथ ही औलिया अल्लाह के मजरारत पर भी जाकर लोगों ने फातिहा पढ़ी तथा मस्जिदों में नमाज पढ़ अपने गुनाहों की तौबा कर दुआएं की। 14-15 शाबान को रोज़ा रखने की बड़ी फजीलत है। हदीस शरीफ में है कि शबे बारात की रात में अल्लाह ताला आसमान दुनिया की तरफ तजल्ली फरमाता है और मेरी उम्मत के गुनहगारों को कबीले बनी कल्ब की बकरियों के जितने बाल हैं इससे भी ज्यादा तादाद में मफरत बख्श फरमाता है। प्रतापगढ़ के हाईवे पर दो कारों में जोरदार टक्कर हो गई। आपको बता दें जहां पर जिसमें एक कार में सवार पति पत्नी और उनके बेटे की मौके पर ही मौत हो गई और एक मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं दूसरी कार का चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायल बच्ची को कार और चालक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद आगे की कार्यवाही में जुट गई। मानिकपुर थाना इलाके के रहमत अली का पुरवा में प्रयागराज की है पूरी घटना। जी राहुल श्रीवास्तव लखनऊ से आ रहे थे जी। सुबह वही 6:30-7 इनका मानिकपुर से 1 किलोमीटर पहले यहाँ उनका एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट में इनकी वाइफ राहुल श्रीवास्तव, इनकी वाइफ और इनका एक लड़का ऑन द स्पॉट चेक कर जाती है। अच्छा, ये इनका घर इलाहाबाद में, ये इलाहाबाद जा रहे हैं। अच्छा, और दुर्घटना घटित है और ये तीनों लोग ऑन द स्पॉट कर रहे हैं। कोई बच्ची भी थी? एक बच्ची है, वो अभी स्वरूप रानी हॉस्पिटल में एडमिट है, वहाँ से डॉक्टर रेफर कर दिए हैं। अच्छा। वो आगे लखनऊ लेके जा रहे हैं। आज थाना मानिकपुर क्षेत्र के ग्राम रहमत का पुरवा जो कि लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर स्थित है, वहाँ पर आज प्रातः 6:30 दो कारों का आपस में टक्कर हुई और एक्सीडेंट हुआ। इस दर्दनाक हादसे में एक कार में सवार एक परिवार के 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, इसमें एक दंपत्ति और एक उनका पुत्र था। एक 3 वर्षीय पुत्री घायल है जो कि अस्पताल में उपचाराधीन है। दूसरी कार में एक व्यक्ति था जो ड्राइव कर रहा था, जिसे इलाज है प्रयागराज मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहां वो चिकित्सारत है। मौके पर स्थानीय पुलिस बल पहुंचा और आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई।
हरदोई में पचदेरवा इलाके में एक मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला सामने आया है। मासूम अपनी बुआ के घर होली मिलने गई थी, फिर वह बच्चे के साथ खेलने के दौरान गायब हो गई, जिसके बाद अर्धनग्न अवस्था में मासूम बेहोशी की हालत में घर के बाहर पड़ी मिली। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच में जुटी है। साथ ही SP ने घटनास्थल का मुआयना कर खुलासे के निर्देश दिए हैं। ये थाना पचदेवरा में ग्राम अनंगपुर है, इसमें शाम से एक लड़की घर से गायब हो गई थी, जो कि देर रात में इनके घर के सामने ही मिली और अस्पताल आने में मृत घोषित किया गया। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसके साथ कोई अमानवीय हरकत की गई है, जिससे कि उसकी मृत्यु हुई है। पुलिस द्वारा पड़ताल की जा रही है, जो भी तहरीर मिलेगी और पोस्टमार्टम से जो भी तथ्य निकल के आएंगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पूरा परिवार भुखमरी और आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, इसी के चलते तीनों ने अपनी जान दे दी है। वहीं सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर भी स्थानीय लोग सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। आज देर शाम कोतवाली नगर थाना क्षेत्र से आत्महत्या की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें पुलिस मौके पर पहुंची है। तो वहां पर एक नगीना नामक महिला है, उम्र 55 साल, एवं उसकी 2 बेटियों द्वारा आत्महत्या करने की जो सूचना थी उसको वहां पर तस्दीक किया गया। लोगों ने बताया कि उपरोक्त महिला के पति की कई साल पहले मृत्यु हो गई थी और उसकी तबीयत भी खराब रहती थी, तथा इस परिवार का जीवन यापन करना, जीवन बसर करना काफ़ी मुश्किल था। इन तथ्यों के अलावा पुलिस द्वारा वहां पर FSL टीम को बुलाया गया है और विभिन्न प्रदर्श वहां पर एकत्रित किए गए हैं, जिसमें एक संदिग्ध वस्तु पॉलीथीन के अंदर भी मिली है। इन सभी प्रदर्शों को FSL लैब भेजा जा रहा है और मृत्यु का सटीक कारण जानने के लिए पंचायतनामा के साथ साथ पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रारंभ की गई। बाराबंकी बंदोसराय क्षेत्र के रहने वाले सुबह 4 किशोर नमाज पढ़कर लौट रहे थे। रोड पार करते वक्त उनको एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बच्चे उछलकर 10 फीट दूर गिरे। 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल में दम तोड़ा। घटना के बाद कार चालक गाड़ी छोड़कर भाग निकला। पुलिस कार के नंबर के आधार पर उसका पता लगा रही है। हादसा कोतवाली बंदोसराय के जय हिंद स्कूल के पास सुबह 6 बजे हुआ है। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।